स्वर विज्ञान का मतलब है हमारी सांस का चलना। हमारी सांस के चलने का एक निश्चित क्रम है, कभी वह बाएं से नथुन से आती है, कभी दाएं से और कभी दोनों से। इसी प्रकार से कभी हमारी श्वास बहुत लंबी होती है और कभी बहुत छोटी। किस नथुने से श्वास आ रही है और कितनी लंबी अथवा छोटी है, इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। हमारे श्वास की दिशा और लंबाई बदलकर हम अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन ला सकते हैं। इसी प्रकार श्वास हमारे व्यापार से, हमारे आपसी संबंधों से और हमारे जीवन की सफलताओं और असफलताओं से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और जिस नथुने से हमारा श्वास आ जा रहा है वह व्यक्ति यदि उसके विपरीत दिशा में बैठा है तो हमारी बात में सहमति होने के अवसर कम होंगे, और यदि वह अनुकूल दिशा में बैठा है तो बात के सफल होने के अवसर बहुत ज़्यादा होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो मान लीजिए कि हमारे सर में दर्द है और हमारा बायां श्वास अथवा स्वर चल रहा है। अब यदि हम उसे बंद कर देते हैं और दाएं नथुने से श्वास लेना प्रारंभ कर देंगे तो हमारा सर दर्द तुरंत आराम महसूस करना प्रारंभ कर देगा। इसी प्रकार से जब श्वास दीर्घ ले रहे हैं, जिसे पृथ्वी तत्व कहा जाता है, उस समय कोई स्थायी निर्णय जैसे जमीन खरीदना, भवन बनाना आदि लिया जाएगा तो उसके दीर्घकाल तक हमारे साथ चलने के अवसर होंगे। इसके विपरीत कोर्ट का मुकदमा, स्टॉक का बेचना आदि के निर्णय जब जल तत्व अथवा वायु तत्व के चलते हुए लिए जाएंगे तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि हम इन्हें तुरंत निपटाना चाहते हैं। विपरीत तत्वों के समय काम करने के विपरीत परिणाम होंगे। कोई भी काम करते समय अथवा निर्णय लेते समय हमारे दाएं स्वर के अलावा कौन सा तत्व, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु अथवा आकाश चल रहा है, वह हमें यह भी संकेत दे रहा है कि सामने वाला व्यक्ति किस दिशा में सोच रहा है। हमारे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय और छोटे छोटे निर्णय सभी यदि किस नथुने से श्वास चल रहे हैं अथवा किस तत्व के साथ, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु आदि के साथ चल रहे हैं, इसकी जानकारी के साथ किया जाए तो सफलता और असफलता में दिन और रात का अंतर आ जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी थोड़ी सी भी जानकारी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा कर सकती है। डॉक्टर राजेंद्र जैन अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और स्वर विज्ञान पर उन्होंने दशकों से साधना की है। दिनांक 13 और 14 को अध्यात्म साधना केंद्र द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप में वे इस विषय की महत्वपूर्ण जानकारी संभागियों को प्रदान करेंगे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप इस वर्कशॉप में भाग लेने से किसी भी प्रकार नहीं चूकें और अपने जीवन को सफल, प्रसन्न और स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद।